हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन लाइव क्लास। के स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस लेसन नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्ट नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन के अंदर एडमिशन पार्टनर्स के अंदर 5 प्रॉब्लम थे, जिसमें से सेकंड प्रॉब्लम हमारी चल रही है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके अंदर 3 मेथड्स थे हमारे। फर्स्ट, प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होगी। सेकंड, ब्रॉड इन कैश, जो फ्राइडे और सैटरडे को, फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे को डिस्कशन किया था, सैटरडे को हमने ऑनलाइन लाइव क्लास भी नहीं दी, ब्रॉड इन कैश। और थर्ड थी नॉट ब्रॉड इन कैश। प्राइवेटली कोई एंट्री होगी ब्रॉड इन कैश की। 3 एंट्रीज हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो। अगर वो विड्रॉन कर लेते हैं तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू कैश और बैंक। सिर्फ इन 3 एंट्रियों पर ही हमारे सवाल हुए थे। 2 डेज की जो वीडियोज थी वो कंसर्नमेंट हमारे, पहले हमने 22 से 30 तक किए थे, पर 31 से और हमने किए थे 36 तक। आज हम 37 इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे, जिसके अंदर एक पॉइंट आ रहा है, अगर गुडविल ऑलरेडी, देखो ये एंट्री तो होगी होगी, ये वाली 3 तो, अगर अभी ये कंसेप्ट आया नहीं है, एक एंट्री और आई, 4th क्या है, अगर पुरानी बैलेंस शीट में, ये पुरानी बैलेंस शीट है, ए और बी की पुरानी है, सी आ रहा है, तो देखो चाहिए कंसेप्ट हो, चाहिए हो, चाहिए हो, अगर यहां गुडविल दे रखी है, जैसे यहां 50,000 दे रखे, रेशियो ए और बी का 3 तो है, तो डियर स्टूडेंट ये गुडविल राइट ऑफ होगी। ये गुडविल क्या होगी? राइट ऑफ। और राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, सुनो ध्यान से, जब गुडविल आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। राइट ऑफ माने अदलित करना, खत्म करना। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, 50,000 रुपए, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, 3 तो का रेशो था, तो ए की कैपिटल में 30,000 हो जाएगी, बी के में 20,000 हो जाएगी। तो ये एंट्री एक नई आई आज, 3 एंट्री तो ब्रॉड इन कैश होते, मैंने कहा ना, चाहे आप प्राइवेटली करें तो ये चाहिए, ये एंट्री तो होगी अगर इफ गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक्स, पुराने संचितार की पुस्तक में अगर गुडविल दे रखी है तो इस गुडविल को क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। तो आज नया कंसेप्ट आया है, वो क्या है? गुडविल अगर दे रखी है तो ये एंट्री होगी इन दिस केस, चाहे प्राइवेटली, चाहे ब्रॉट इन कैश, चाहे नॉट ब्रॉट इन कैश। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं जिससे और क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 37। अपने बुक्स निकाल लीजिए प्लीज, और देखिए लेसन नंबर 37। आरती और भारती आर पार्टनर्स इन द फर्म रेशियो 3:2। आरती भारती 2 पार्टनर है, रेशियो 3:2, 3/5 और 2/5। उन्होंने क्या किया, सारथी को पार्टनर बनाया और उनका नया रेशियो होगा आरती भारती सारथी का 2:1:1, 2/4, 1/4, 1/4। ये दियो, देखो ओल्ड ये है, न्यू ये है। उसके बाद क्या कहा है कि सारथी ब्रोट 1,00,000 हर शेयर ऑफ द गुडविल। सारथी गुडविल के अपने हिस्से के 1,00,000 रुपए लेकर आती, अपना शेयर टोटल 1,00,000 रुपए ला रही है। और गुडविल पहले पुस्तक में कितनी दिखा रखी है? 7,000। ऑन बोर्ड सारा सवाल आ गया। तो सबसे पहली एंट्री क्या है? ब्रोकिंग कैसा कंसेप्ट है? ये जो 7,000 है इसमें राइट ऑफ हो जाएंगे, तो क्या एंट्री होगी? आरती इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, 60,000 रुपए, रेशियो 3/5 और 2/5, तो कितना हो जाएगा? 36,000 रुपए और 24,000 रुपए।
यही एंट्री तो अभी बताई थी मैंने जो नहीं आई अभी, तो क्या एंट्री हुई है, ये दोनों पार्टनर आर्थिक भारत की डेबिट हो गई और गुडविल क्रेडिट हो गई, फिर वही है। अब एंट्री क्या है, वो पैसे लेकर आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख, ये किसका पैसा है, इन दोनों का। किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो, और सैक्रिफाइस रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड है 3/5, 2/5, न्यू क्या है 2/4, 1/4, 20, 12 - 10, 2/20, 20, 8 - 5, 3/20, तो रेशियो आगे सेकंड 2/5 / 3/5। देखे अगर ये रेशियो ना दिया होता तो उस अवस्था में ओल्ड रेशियो को हम सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं, इसमें तो ओल्ड भी दे रखा है न्यू भी दे रखा है, तो ओल्ड में से न्यू घटाकर सेक्रीफाइस रेशियो हमारा क्या है 2/5 और 3/5, इधर के लिए 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, एंट्री थर्ड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरती कैपिटल टू भारती कैपिटल 1 लाख रुपए, 2/5 करेंगे कितना आएगा 40,000, और तो ये था थर्ड एंट्री इन सैक्रिफाइस। ओके, तो 37th में कंसेप्ट क्या आया, अगर गुडविल पहले दे रखे तो उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं। लो भाई, ब्रोटीन कैश का कंसेप्ट खत्म हो गया है, आज हम थर्ड पॉइंट लेके चलेंगे, वो है नोट ब्रोट इन कैश, कोई मिक्सअप नहीं करना है, सीधी सीधी एंट्री है। आज थर्ड पॉइंट शुरू हो रहा है नोट ब्रोट इन कैश, वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा है, नोट माने नहीं, तो मैं नहीं लेके आ रहा है तो क्या करेंगे हम, एक ही एंट्री करेंगे, और वो एंट्री क्या होगी, मानस की है अपने हिस्से के 50,000 रुपए नहीं लेकर आ रहा है, तो आपने एक ही एंट्री करना है, माइंड में सेट करो, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज का जो है उसका करंट अकाउंट खोल दिया, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल, इस 50,000 को किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो, मान सैक्रिफाइस रेशो 3:2 है, तो 3/5 और 2/5, तो 30,000 रुपया 20,000, ये स्टूडेंट ओनली वन सिंगल एंट्री, ओनली वन सिंगल एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द नोट ब्रोट इन कैश। अब आप चाहे नोट कर लीजिए, चाहे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, केवल इन एंट्री के अतिरिक्त ब्रोट ब्रोट इन कैश हो चाहे नोट ब्रोट इन कैश हो, चाहे प्राइवेटली कोई एंट्री नहीं होगी, मैं सारी एंट्री अब लिखवा रहा हूं आपके सामने, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए एंड राइट डाउन, केवल ट्रीटमेंट और गुडविल में यही एंट्री होगी, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी, नोटिस करना सारी एंट्री ऑन बोर्ड, नंबर एक राइट डाउन, प्राइवेटली आप लिख दो क्रॉस, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी प्राइवेटली अगर वर्ड आता है। सेकंड, ऊपर लिखो ब्रोट इन कैश और इसको अंडरलाइन करो, एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक पब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ए और बी दो पार्टनर मान लिए मैंने, ये ओल्ड है, इन सैक्रिफाइस रेशियो। नंबर तीन, अगर ये विड्रॉन करते हैं तो ये जो एंट्री क्रेडिट हुई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक पब्लिक कैश, राइट डाउन कर ली होगी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए प्राइवेटली वर्ड आया, कोई एंट्री नहीं कर ली, ब्रोट इन कैश में बैंक अकाउंट डेबिट या कैश जैसी भी परिस्थिति हो, अगर कुछ ना लिखा तो हमेशा बैंक लिखते हैं, अगर बैलेंस शीट में कैश दे रखा तो कैश एंट्री लिखते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो, जितना पैसा विड्रॉ करते हैं निकाल लेते हैं तो एज कैपिटल बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश,
एंट्री नंबर फोर, अगर गुडविल ऑलरेडी अक्वायर्ड है, चाहे वो कोई भी कंसेप्ट हो, अगर गुडविल पहले दे रखी तो आज अभी मैंने अभी करवाई थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये राइट ऑफ की एंट्री है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और नेक्स्ट तीसरा कंसेप्ट हमारा था नोट ब्रॉट इन कैश, जो आज अभी एक एंट्री लिखा है तो एक ही एंट्री होगी और ये एंट्री तो होगी होगी चाहे वो तीनों कंसेप्ट हो, एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी एज कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस, केवल इन एंट्री का अतिरिक्त और कोई एंट्री नहीं होगी, आपने जो अभी अपनी नोटबुक में लिख लिया इन एंट्री को रट्टाफिकेशन मोड मत बनाना, इनको अंडरस्टैंडिंग समझना है आखिर क्यों कर दिया, किसको डेबिट किया गया किसको क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू रूल्स, रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग किए गए। अब हम चलो इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 38, देखिए 38 ए भी पार्टनर है, रेशियो 3:2 है, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए और उनका नया रेशियो है 5:4:3, तो ओल्ड रेशियो भी गिवन है न्यू रेशियो भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ओल्ड में से न्यू घटाकर सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो आ रहा है 11:4, 11/15, 4/15, ओके। यार ध्यान रखने योग्य बात है 11:4 का मतलब 11/15, 4/15, जैसे 11/60 आ गए तो 11/60 मत लिखना, 11/60, 4/60, 60 तो कहीं से लग गया, तो रेशियो तो 11:4 ही है, अब हम करेंगे तो 11:15 और 4:15 के बराबर का ही इसी जो सैक्रिफाइस। चलो जी हो गया ये, तो उसके बाद सी लेकर आ रहा है बिजनेस में 50,000 कैपिटल, लेकिन कहता है गुडविल नहीं ला रहा है, तो ये कंसेप्ट शुरू होगा, अब तक जितने सवाल किए थे गुडविल लेकर आ रहा था, गुडविल नहीं लेकर आ रहा, केवल कैपिटल तो लेकर आएगा, कैपिटल तो 100% लेकर आएगा ही आएगा, तो सी कैपिटल 50,000 गुडविल नहीं लेके आ रहा, गुडविल है कितनी 48,000 रुपए, तो देखो ये टोटल गुडविल है 48,000 और सी का जो शेयर है वो 3/12 है, 3/12 का मतलब 1/4, तो वो रुपया कितना लेकर आएगा अपने हिस्से के 12,000 रुपए लेकर आएगा, कितने रुपए लेकर आएगा अपने हिस्से के 12,000, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब एंट्री क्या करनी है, वन पेज करना है, केवल दो ही एंट्री होगी, एंट्री नंबर फर्स्ट जो पैसा लाया बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैपिटल को हाथ नहीं लगाना भाई, कैपिटल उसकी पर्सनल है उसकी खुद की है, जो बिजनेस में लेकर आ रहा है कितने रुपए ला रहा है 50,000 और जो प्रीमियम गुडविल है वो लेकर ही नहीं लाया, तो जब नहीं लेके आया तो हम क्या करते हैं ओपन करंट अकाउंट, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, यहाँ करंट अकाउंट ओपन कर दिया है टू किसको देना है एज कैपिटल और प्रीज कैपिटल, किस रेशो में सैक्रिफाइस रेशो, कितना था 12,000 रेशो आपके सामने आ रहा है 11:15, तो कितना आ जाएगा 8,800 और कितना ये रुपए मिलेंगे ए और बी को, अभी मिले नहीं है लेकर आएगा, अभी सीज करंट अकाउंट ओपन कर दिया आपने, जब लेकर आएगा इनके खाते में जमा हो जाएंगे, तो ये एंट्री थी रिगार्डिंग ऑफ नोट ब्रॉट इन कैश। चलो और इलस्ट्रेशन हम लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 41, जो इलस्ट्रेशन बीच में छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट्स वो आपने करने हैं, बहुत इजी है इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। 41 एक्स वाई साझेदार रेशियो 5:3, 5/8 एंड 3/8, स्टूडेंट उन्होंने 1 मार्च 2021 को जेड को पार्टनर बनाया, तो देखिए ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई है, जेड इज द न्यू पार्टनर है,
उनका जो रेशियो है 4:3:2, 4:9, 3:9, 2:9, तो देखो ओल्ड रेशियो आल्सो गिवन इन द क्वेश्चंस एंड न्यू रेशियो आल्सो गिवन। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भाई ओल्ड भी दे रखे हैं और न्यू भी दे रखे हैं, तो इजियर आप निकाल सकते हैं व्हाट इज योर सैक्रिफाइस रेशियो। उन्होंने क्या किया भाई, ब्रोट 1 लाख कैश ही शेयर ऑफ द कैपिटल, जेड जो लेकर आ रहा है वो 1 लाख रुपए कैपिटल आ रहा है, तो सी डी जी एंट्री है, नॉट मिक्सअप, किसी भी पॉइंट को आप मिक्स मत कीजिए उसको। एक तो पहले रीड क्वेश्चन थ्रोली ध्यान से पढ़िए, एंट्री सीधी है बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, क्लियर, उसकी कैपिटल आई आपने उस खाते में डाल दी, बट गुड नोट, लेकिन नहीं लेके आ रहा है गुडविल की राशि कैश में, जेड एडमिशन वैल्यू कितने थे 1,80,000, तो देखो गुडविल की वही टोटल वैल्यू दे रखी है, शेयर जब दे रखा शेयर का शेयर निकालना आपको 1,80,000, जेड का शेयर क्या था, जेड का शेयर था भाई 2:9, तो जेड अपने हिस्से के तो पैसे लेकर आएगा 2 रुपए लेकर आएगा 3,000, जो नोट प्रोटीन कैश है, लेकिन वो 40,000 रुपए जो बनते हैं जो एक्स और वाई को मिलेंगे इस रेशियो में सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो दे रखे है न्यू रेशियो है, तो सैक्रिफाइस रेशियो आ रहा है हमारा 13:3, ये सैक्रिफाइस रेशियो, ये कैसा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है न्यू रेशियो भी गिवन है, घटाने के बाद क्लियर होगा, अब सवाल तो क्लियर होगा आपके सामने, तो व्हाट मेक जनरल एंट्री, तो देखो गुडविल पहले जो दिखा रखी है ऑलरेडी वो 2,40,000, पहला कंसेप्ट, दूसरा कैपिटल क्या जाएगा, पहले राइट ऑफ करना है फिर कैपिटल क्या जा रहा है, फिर वो अपने हिस्से में जो नहीं लेके आया नोट ब्रोड उसकी केवल एक एंट्री, ये 3 पॉइंट है इस सवाल के अंदर, बारी बारी से इन सवालों कर दीजिए, पहला कंसेप्ट पहले राइट ऑफ करो 2,40,000, कैसे राइट ऑफ करेंगे एक्स वाई पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री राइट ऑफ की है जो पहली आज मैंने करवाई, चाहे मैंने कहा प्राइवेटली हो चाहे ब्रोटेन कैश हो चाहे नोट ब्रोटेन कैश हो राइट ऑफ होगी होगी, 2,40,000 इस रेशियो में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, इनका रेशियो क्या दे रखे है एक्स वाई का रेशियो दे रखा 5:8 और 3:8, तो करेंगे कितना आ जाएगा 1,50,090,000 रुपए, तो ये एंट्री थी रिगार्डिंग ऑफ द राइट ऑफ की। अब नेक्स्ट वो क्या लेकर आ रहा है कैपिटल जा रहा है, एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, कितनी लेकर आया कैपिटल, वो कैपिटल आ रहा है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 40,000 रुपए उसका शेयर था लेकर नहीं आया, तो आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट से जेड करंट अकाउंट बोल दिया 40,000 से किसको देंगे एक्स और वाई को, किस रेशियो में 13:16 और 3:16, कहां से आए सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड आपको गिवन न्यू आपको गिवन, ओल्ड में से न्यू घटा दिया एक्स और वाई का 13:16 और 3:16, तो कितना हो गया भाई 32,500 तो स्टूडेंट ये था नोट ब्रोड इन कैश। ओके स्टूडेंट्स चलो एक सेशन और लेके चलते हैं फिर उसके बाद आपके डाउट सेशन, चलिए 43 बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी हैं, 2 या 3 एंट्री हैं केवल। 43 पीके उस साझेदार है तो ये ओल्ड रेशियो 7:10 और 3:10, उन्होंने आर को एडमिट किया 2:7 के लिए, तो देखो 2/7 उनका न्यू रेशियो आर का, गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स 1,00,000 रुपए दे रखी है, तो गुडविल तो 1,00,000 दे रखी है, इसको राइट ऑफ करेंगे एंट्री क्या हो जाएगी पी और क्या डेबिट हो जाएगा टू गुडविल 7:10 और 3:10। नंबर एक आर कैन नॉट ब्रिंग इज शेयर ऑफ द गुडविल 80,000, आर अपना हिस्सा 80,000 नगद नहीं लेके आ रहा है,
भाई नहीं लेके आ रहा तो आर का करंट अकाउंट खोल देंगे, आज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। यहां पॉइंट नोटिस करने का है, देखिए पी क्यू 7/10 3/10 आर 2/17 यहां नया रेशियो नहीं दे रखा पी क्यू आर का, तो डियर स्टूडेंट ये ओल्ड रेशियो जो है यही आपका सैक्रिफाइस रेशियो, ये नोटिस कर। When new ratio not given in the question, नहीं दे रखा तब मानना है, अगर ये new ratio दे देता तो old में से new घटा के sacrifice होता। पहला point क्या है, वो नहीं लेकर आ रहा है, अगर goodwill पहले दे रखी उसको write off करेंगे, तो goodwill दे कितने रखी है, पहले balance sheet में 1,00,000 दे रखी, उसको write off करोगे, तो P is capital account debit, Q is capital account debit to goodwill, 1,00,000 होता है। 80,000 रुपए नहीं ला रहा है, तो एंट्री दूसरी क्या है, नोट ब्रोट इन क्या है, आज करंट अकाउंट नोट फॉर कैपिटल करंट करंट अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए टू यहाँ कैपिटल फीस कैपिटल एंड क्यूज कैपिटल, देखो यहाँ करंट वर्ड आएगा यहाँ कैपिटल आएगा, इस रेशो में ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस रेशो होगा, तो ये 56,000 रुपए आ जाएगा और ये 24,000 रुपए, तो ये तो था पहला। अब सेकंड में क्या कह रहा है, अगर वो 80,000 रुपए नगद लेकर आ रहा है तो भाई ये एंट्री तो होगी होगी, अब दो एंट्री और होगी, वो क्या, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है 80,000, किस चीज का आ रहा है टू प्रीमियम फोर गुडविल, ये सेकंड कंसेप्ट की एंट्री हो रही है, सेकंड इसी में दो पार्ट दे रखे, सेकंड पार्ट में 80,000 रुपए आए, ये 80,000 रुपए तीसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 किसके हैं, एक्स वाई के, किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशियो में, और सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो है, तो 56,000 रुपए और ये था नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके चलो एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं फिर उसके बाद आपके डाउट, मैंने कहा तो होती जो आपने नोटबुक में राइट डाउन किया उन एंट्री को अच्छी तरह से देखना फिर इजियर आप कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 44, चल हम इस कंसेप्ट को कंप्लीटेड कर देंगे और नेक्स्ट के बारे में रिवेलेशन की एंट्रीज रिगार्डिंग बताएंगे। केवल एक इलस्ट्रेशन ले लीजिए, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग ओनली पार्ट ऑफ, जैसे मान लेते हैं 80,000 रुपए बनती है सीट की, वो क्या करता है 80 में से 40,000 रुपए तो कैश भी आता है, तो फिर कैश कितने नहीं ले रहा है 40, नोट कैश होगा, तो दोनों एंट्री होगी ना कंसेप्ट में, ब्रोट इन कैश भी होगी और नोट ब्रोट इन कैश, तो दोनों पॉइंट आ गए इसके अंदर। तो देखिए क्या है, अपने हिस्से के दिया रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, ए बी का ओल्ड रेशियो एक इलस्ट्रेशन से समझ जाओगे आप अच्छी तरह से, ए बी ओल्ड रेशियो है 3:2 3/5 और 2/5, उन्होंने क्या किया सी को साझेदार बनाया 1/4 भाग के लिए 1/4, कहता है विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी, उसने 1/6 ए से लिया और 1/12 बी से, जिसमें मैंने कहा था कि इनका दो अगर ये आ रहा है तो डायरेक्ट हिट और नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर इनडायरेक्ट हिट होगी, जोड़ दिया 2+1 3/12 बिल्कुल सही है 1/4 सीधा सीधा आ गया, यही इनका सैक्रिफाइस रेशियो है 1/6 12 ऐसे में आ गया 2:1 सैक्रिफाइस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वो कहता है कि 50,000 गुडविल का जिसमें से कहता है नगद 50,000 है 90,000 रुपये गुडविल बनती है, इसमें से कितना 50,000 रुपए तो कैश ले आ रहा है तो फिर नोट कैश कितना होगा 40,000, तो दोनों कंसेप्ट आएगा ब्रोट इन कैश नोट ब्रोट इन कैश, भाई आप अलग अलग एंट्री कर लो कंपाउंड एंट्री कर लो सो इजियर है, तो सबसे पहले मैंने क्या बता रखे गुडविल पहले दे रखे तो उसको राइट आउट करो, तो डिस्प्ले गुडविल तो पहले दे नहीं रखी थे तो रुपए कितना ले आ रहा है 50,000 रुपए का एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपए। आप ये स्टूडेंट 50,000 रुपए को यहाँ भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कंपाउंड में बता रहा हूँ, क्योंकि ये 50 और 40 दोनों पैसे ए और बी को मिल रहे हैं। वो आपकी जो बुक है उसमें कंपाउंड एंट्री कर रखी है, समझना ध्यान से। आप यहाँ भी इस पैसे को ए और बी को दे सकते हैं, किस रेशियो में? 2:1 में। नोटिस करना, 2:1 में नहीं कटेंगे तो कोई नहीं, पॉइंटों में आ जाएंगे, लेकिन इसने कंपाउंड एंट्री क्या करके दूसरी पे, ये नगद आए, नगद कितने नहीं है 40,000। तो वो कौन सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, इसका करंट अकाउंट खोल देते हैं, टू एज कैपिटल और बी एज कैपिटल, ध्यान रखना कितने में 40,000 है, और ये पैसे भी किसको मिल रहे हैं, ए और बी को मिल रहे हैं। तो आपने यही यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल को भी यहाँ अटेस्ट कर दिया, तो 50,000 और 40,000 हो गए, और दोनों ही पैसे ये भी और ये भी किस रेशो में मिलते हैं, सैक्रिफाइस रेशो में। नोट करना है यहाँ पर, इसको कंपाउंड एंट्री से डिनोट कर दिया है, आप इस एंट्री को भी अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, दोनों को कंपाउंड से लिख गया, ए और बी दोनों में ही क्रेडिट हो रहा है, और किस रेशो से हो रहे, दोनों में सैक्रिफाइस रेशो हो रहे हैं। तो इसमें सैक्रिफाइस रेशो क्या था, 2/3, 1/3, 90,000 का 2/3, 1/3 कितना आएगा 60,000 रुपए और 30,000। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया, आपने इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, जोड़ वही है और बी को 60 और 30 मिलेगा, रुपए तो 90,000 ही है, 50 और 40, 90,000। तो यहां तक आपने क्वेश्चन करने हैं, 44 तक कल हम इस टॉपिक को कंप्लीटेड करेंगे। चलो जी, अपने होमवर्क की तरफ, स्टार्टिंग कहां से थी हमारी, 38 से 44 होमवर्क। प्लीज थोड़ा सा सीरियसली पढ़िए और हर इलस्ट्रेशन को आप प्रैक्टिस नोटबुक में, ये प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं, और एक्सरसाइज जो आपके प्रैक्टिकल है वो 38-44 इन द फेयर नोटबुक। नोटबुक देखिए, लेसन 4 चल रहा है, 2 की PDF मैंने मंगवा ली है, फर्स्ट सेकंड की थर्ड की अभी नहीं आई है, तो मैं आपको प्लीज उसको कंप्लीटेड कर लिए फिर मैं ताकि आपको नोटिस डालूंगा, ताकि वो आप PDF बनाकर सेंड करें। ओके स्टूडेंट्स, तो 38 कुछ स्टूडेंट अभी नहीं किया है, ध्यान रखना पॉइंट में नोटिस डाल दिया, सब बाकायदा रिपोर्ट रखे जा रहे हैं, आने वाले समय में मैडम ने नोटिस भी डाला था, सर ने भी, कि जो आपके आगे मार्क्स भेजे जाएंगे या जो मार्क्स आप इंटरनल होते हैं वो सारे इस पर डिपेंडेबल करते हैं। अगर आप जिनके नोटबुक कंप्लीट नहीं है तो प्लीज उनके लिए सही नहीं है, तो इसलिए प्लीज अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लें, और ये नोटबुक आपकी सब स्कूल खुलेंगे तब ये चेक होंगे, तो प्लीज PDF सेंड करें और नोटबुक को कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586669। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, चलिए अपने डाउट सेशन। अभी प्रियंका, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाँ प्रियंका बोलिए। नो सर। नेक्स्ट मैं क्या था हूँ, नो डाउट सर। मयंक यादव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नो डाउट सर। नेहा, डाउट सर। गुड मॉर्निंग, सुदेश सर। गुड मॉर्निंग, नो डाउट सर। आरती, आप बोलिए आरती। पलक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नो डाउट सर। सपना,
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. नो सर. मोहित शर्मा. मोहित शर्मा. स्नेहा. स्नेहा. नो डाउट सर. आरजू यादव. डाउट सर. विकास यादव. विकास. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बोलिए विकास. नो डाउट सर. ओके अंकित. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. नहीं है सर डाउट. कामना. नो डाउट सर. मिंटो. नो डाउट सर. प्रिया. हाँ प्रिया बोलो. गुड मॉर्निंग. नो डाउट सर. ओके थैंक यू. हैव ए गुड डे.